लकीर के तुम्हारा के खींची ना तीर में ना तलवारों में शक्ति ऐसी हुंकारों में सर 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 जो लहराए मन मस्त हवा। दोस्तों ये वो हिंदुस्तानी जैसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म से भोजपुरी सिनेमा के साथ साथ पूरी दुनिया भर में अपना नाम बना चुके भोजपुरी सिनेमा के बड़े सुपरस्टार दिनेश लाल यादव नीरव आने वाले अपनी एक और धमाकेदार फिल्म के साथ। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उनकी अपकमिंग फिल्म गबरू के बारे में, जिसका कि एक धमाकेदार ट्रेलर भी आउट कर दिया गया। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का ट्रेलर सभी को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप फिल्म गबरू के ट्रेलर को देख चुके हैं और जानना चाहते हैं फिल्म के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए शुरू करें। दोस्तों आपको बता दें कि गबरू एक एक्शन मूवी जिसको कि डायरेक्टर मनीष पांडे के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ आम्रपाली दुबे भी दिखाई देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट भी काफी हाई होने वाला है। जी हां दोस्तों, भोजपुरी फिल्म जिनको कि पहले काफी कम बजट में बनाया जाता था, लेकिन दोस्तों अब इन फिल्मों का बजट भी काफी बढ़ने लगा है। और दोस्तों हो सकता है आने वाले दिनों में बड़े बजट की भोजपुरी फिल्मों को पैन इंडिया में भी रिलीज किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को लगभग 5 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई अभी तक बड़ी अपडेट नहीं आई है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को दिसंबर 2022 तक रिलीज किया जा सकता है। तो दोस्तों आप फिल्म गबरू को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है, और आपको क्या लगता है दिनेश लाल यादव निरहुआ की ये फिल्म आते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा देगी और सभी का दिल जीत लेगी? और आपको क्या लगता है भोजपुरी फिल्मों को भी पैन इंडिया में रिलीज किया जाना चाहिए? आपकी राय में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉक्स ऑफिस ज्ञान को।